बता दिए सारा वो है कि लाइमल हम बनाएंगे उसके ऊपर उससे पहले निबिटीज करेंगे और उसके बाद एक करारदाद पास करेंगे वहां पर वाके के लिए एक लाइमल देंगे कि हमें जो फाइनल कॉल देनी है और ये जो अभी निजाम आहिस्ता आहिस्ता एक तबाही की तरफ ले जा रहा है स्कूल को उसमें हमारे जो मुतालबात है वो सामने लाएंगे फिर आगे एक टाइम बनाकर फाइनल कॉल पूरे पाकिस्तान की देंगे पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे और मार्च करेंगे जो कि फैसला कुल मार्च होगा। सर ये बताया आपने यही की बोली दी है लेकिन कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर भी जो यहाँ पर नहीं है कितनी हकीकत है इसमें? मेरे पास दो हेलीकॉप्टर है माशाल्लाह भाई इस वक्त का जो पोजीशन है वो ये है पूरा पाकिस्तान जान ले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना टिकटॉकों पे या सारा दिन ये चैनलों को पैसे देकर अपने इश्तिहार चलवाते हैं परफॉर्मेंस के तो IMF की रिपोर्ट पढ़ लें अल्हम्दुलिल्लाह इस सूबे ने अपना टारगेट IMF का अचीव किया है और बाकी सब ने एक ने भी अचीव नहीं किया और ये सारे खसारे में जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सूबा इस बार सरप्लस है हमारे पास सरप्लस अमाउंट पड़ी हुई है हम एक सरप्लस सूबा है बाकी सारे सूबे नीचे जा रहे हैं। रेवेन्यू में हमने माशाल्लाह 44% रेवेन्यू इंक्रीज किया इस टाइम में। मेरे पास जो इस वक्त वसाइल हैं ये अवाम के वसाइल हैं और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इसी नाम से हम इसको ये सूबा लेगा और इसी नाम से इसको चलाएगा। हम पाकिस्तान के नाम को कोड़ी के दामों इन लोगों को बेचने नहीं देंगे और ये इसको बेच नहीं रहे ये इसको इनडायरेक्टली खुद खरीद रहे हैं। शुक्र है कौम के सामने आ गया है कि नीयत क्या थी कि वहां पे सस्ते दामों बेच के खुद ही खरीदार बने हुए थे तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा और मैं आपको यही बता रहा हूं कि बिड में जहां तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। हम इसको अपना सरकारी जो हमारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को सरकारी ही रखेंगे नाम भी यही रखेंगे और इंशाल्लाह सूबे की सारी आवाम साथ ठहरी है। मुझे मैसेज आ रहे हैं मेरे सूबे के और सीध लोगों के तो हम चंगा डालेंगे लेकिन ये एयरलाइन इन खबीसों को नहीं खरीदने देनी हम नहीं खरीदनी है इंशाल्लाह। सर ये प्लान है सर ये पहले ही बता दिया सर सही हो गया। देखिए ऐसा है कि इस वक्त जो निजाम चल रहा है उस निजाम में अजीब को नीचे ले जाया जा रहा है लाकानूनियत तहत बढ़ती जा रही है आइन को बार बार तोड़ा जा रहा है उसके लिए अब हम एक फाइनल एक ऐसा लाइमर बना रहे हैं जिसके अंदर हम मीटिंग करके एक करारदाद पास करेंगे अवाम को बुला के और करारदाद पास करने के बाद आगे हमने एक फाइनल मार्च करनी है फैसला के बाद और उसके लिए हम करारदाद पहले पास करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह उसके भी तारीखों का तय करेंगे और फिर हम निकलेंगे और इस दफा पूरा पाकिस्तान निकले एक ही दफा निकले और जान छोड़ा हो यार ये क्या है तरह तरह के इस तरह की जिंदगी का फायदा है कोई नहीं। इस मुल्क पे कानून बचा है नहीं इस मुल्क पे आइन बचा है लाकानूनियत फसताई है उसके बाद मुल्क को डुबोई जाए जा रहे हैं मुल्क की मैशत का कबड़ा निकाल दिया है रोजगार नहीं है बिजली इतनी महंगी है लोग बिल नहीं दे सकते बिजली मिल भी नहीं रही गैस इतनी महंगी है ऊपर से मिल भी नहीं रही ये वाकई हुकूमत जो बैठी हुई है जो इनके इदारे हैं सबको बेची जा रहे हैं अवाम पे एक गोज डाला हुआ है तो ऐसे हालात में अगर कौम नहीं निकलती तो मेरे ख्याल है कौम गुलाम बन जाएगी। हम तो गुलाम नहीं है हम तो आज़ादी के लिए की आजादी के लिए इस कौम के लिए निकलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए इस दफा सर पर कफन बांध के निकलेंगे।